इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की ओर से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, यानी कि 11th और 12th के लिए स्कीम है ये, ऐसे बच्चों के लिए जो कि माइनॉरिटीज़ से आते हैं। पहले मैंने आपको बताया था 1 to 10 माइनॉरिटीज़ के बच्चों के लिए, अब मैं बता रहा हूँ 11th 12th के लिए माइनॉरिटीज़ के बच्चों के लिए। ठीक है, सारा कुछ वही है। कौन कौन माइनॉरिटी होगा? मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बुद्धिस्ट, जैन, ज्योतिष, पारसी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मैं बताऊँ नीचे में आप देखेंगे यहाँ पे तो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस और ड्यूरेशन आपको यहाँ दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ दिया हुआ है, कितना क्या मिलेगा, 7,000 पर एनम प्लस जो भी एडमिशन ट्यूशन फी होगी वो। उसके बाद फिर दूसरा क्राइटेरिया देखेंगे, उसमें 10,000 है प्लस जो आपका एडमिशन फी है वो। मेंटेनेंस अलाउंस के रूप में भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी, वो आपको पढ़ना है। अब आवेदन कैसे करना है, क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले आपको आना है कहाँ पर? आपको आना है सबसे पहले यहाँ इस वेबसाइट पर scholarships.gov.in पर। यहाँ आने के बाद आपको स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे ओपन टिल 31/10/2020, आज का डेट देखेंगे 20 है, यानी कि 10 दिन आपके पास अभी भी है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है ये देख लेना है, उसको क्राइटेरिया को यहाँ गाइडलाइन पर क्लिक करके जो मैंने PDF दिखाया मिल जाएगा, आपको पढ़ लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ ऊपर आना है और फ्रेश एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद सारा कुछ पढ़ के टिक मार लेना है, और टिक मारने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ठीक है, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारा चूज़ कर लेना है, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं यहाँ वो डालेंगे। यहाँ पे आप डालेंगे कि ये जो है पोस्ट मैट्रिक वाला, इसमें डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको स्कीम टाइप में आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप स्कीम डालना है। ओके, बाकी सब एजिटी जो आपका नंबर है, आपका जो अकाउंट नंबर है जहाँ पैसे चाहते हैं वो सब डाल के सबमिट कर रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको दोस्तों एक आएगा आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, उसके जरिए आपको लॉगिन करना है। वहाँ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और सारा कुछ आपको डालना है, कुछ भी। उसके बाद अगर परेशानी हो तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे इंस्टा पे और फेसबुक पे, नीचे भी आप कमेंट करके मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, मेरे इंस्टा पे अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो गौरव की दुनिया आप सर्च करेंगे, आपको मैं मिल जाऊँगा इंस्टा के लिए, और फेसबुक के लिए भी यही है, लेकिन उसके आगे आपको गौरव की दुनिया AA लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आपको मैं मिल जाऊंगा बड़ी आसानी से। ओके, तो कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी स्कॉलरशिप आप लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।